आजकल मेडिकल साइंस की तरक्की से दिन ब दिन लोगों की जिंदगी और भी आसान होती जा रही है। इस तरह का एक अद्भुत मामला दुनिया के सबसे विकसित देश यानी यूके से सामने आया है, जहां पर एक ही बच्चे को दो अलग अलग कोख में पाला गया। इतना ही नहीं, इस बच्चे को जन्म एक लेस्बियन जोड़े ने दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब बातें जो आपको हैरान कर देती है, और ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक ऐसी आश्चर्यजनक बातें लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं या फिर उससे जुड़ी कई रोचक बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन है उसे जल्दी से प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे चैनल के जरिए दुनिया से जुड़े अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बनने का अनुभव बहुत खास होता है, और यूके के एक लेस्बियन कपल का यह खास अनुभव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि हैरत में डाल देने वाला यह मामला यूके का है, जहां पर एक लेस्बियन कपल ने बच्चे को जन्म देने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया। ये दुनिया का ऐसा पहला मामला है जहां एक ही बच्चे को दो गर्भ में पाला गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आई एक खबर के अनुसार, यूके में एक लेस्बियन जोड़ा शादी के बाद काफी वक्त से एक बच्चा चाहता था, लेकिन दोनों महिला होने के कारण मां बन पाना संभव ही नहीं था। जैस्मिन और डोना नाम की दो लेस्बियन महिलाएं 6 साल से साथ रह रही थी। मिली जानकारी के अनुसार जून 2015 में उन्होंने शादी कर ली। दोनों महिलाएं मां बनना चाहती थी, लेकिन लेस्बियन होने के कारण वे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने IVF तकनीक का सहारा लिया। समाचार पत्र डेली मेल की खबर के मुताबिक, यूके के टेक्सास में रहने वाली ये दोनों महिलाएं यानी जैस्मिन और डोना ने बच्चे पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने $8,500 खर्च कर एक IVF सेंटर की सेवाएं भी ली थी। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे यह असंभव संभव हुआ। बता दें कि बच्चे के जन्म के लिए एग जैस्मिन से लिया गया, उसके बाद उसे लैब में एक डोनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कराया गया। इस प्रक्रिया के बाद फर्टिलाइज भ्रूण को जैस्मिन के गर्भ में डाला गया, लेकिन जैस्मिन को कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत होने लगी। इन दिक्कतों के चलते वह बच्चे को गर्भ में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर ने फर्टिलाइज्ड हुए भ्रूण को वापस निकालकर दूसरी महिला यानी डोना के गर्भ में रख दिया गया। डोना ने फिर प्रेगनेंसी की अवधि पूरी करके जून में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आप ये चैनल पर देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ रोचक बातें, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देखने में इतने खो गए होंगे कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शेयर्ड मदरहुड प्रक्रिया के तहत यूके में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लेस्बियन कपल एक ही बच्चे को अपने गर्भ में रखी। मिली जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश कपल जैस्मिन और डोना फ्रांसिस स्मिथ के पहले बच्चे ओटिस का जन्म 2 महीने पहले हुआ था। बच्चे का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के तहत हुआ। इस प्रक्रिया में एग को मां के शरीर के अंदर ही प्रत्यारोपित किया जाता है, कहीं बाहर से नहीं। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको हमारे वीडियो से जुड़ी अपनी राय देने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि इस विट्रो प्रक्रिया की शुरुआत स्विस तकनीक कंपनी एनाकोवा ने की है, और हाल ही में लंदन के क्लिनिक में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इस प्रक्रिया के तहत अंडे को जैविक मां के शरीर में एक कैप्सूल के जरिए पहुंचाया गया, जहां से मां के गर्भ में एक पहुंचा। मां के गर्भ में जब एक सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित हो गया तो उसे एक मां के शरीर से निकालकर दूसरी मां के गर्भ में डाला गया, जिसकी कोख से बच्चे का जन्म हुआ। यूके के नॉटिंग शहर में रहने वाली डोना ने टेलीग्राफ से एक खास बातचीत में बताया कि लेस्बियन कपल के तौर पर इस प्रेगनेंसी में वह बहुत खुश है। उन्होंने इस पर कहा कि जैस्मिन और मुझे जिस तरह की अटेंशन मिल रही है वह हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। आमतौर पर सेम सेक्स कपल की प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि कपल में से एक महिला की गर्भधारण करती है, जबकि दूसरी महिला इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। हमारी प्रेगनेंसी इस लिहाज से अलग थी और हम दोनों ही इसका हिस्सा बने। एक पहले 18 घंटे तक मेरे गर्भ में रहा और फिर इसे जैस्मिन के गर्भ में डाला गया। यह थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अपनी आइडियाज़ भी शेयर करें, और साथ ही कमेंट में ये भी लिखें कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, ताकि हम जल्द से जल्द उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे। और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। देखते रहिए, नमस्कार।